अरे आज ये ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे बाबू ऑफिस नहीं गए आज? नहीं आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बताओ ना क्या हुआ। नहीं नहीं जाने दो। अरे यार बताओ ना, मुझसे क्या छुपाना, मैं आपकी बीवी हूँ। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे बुरा क्यों मानूंगी मैं, बताओ क्या बात है। ठीक है। वाइफ्स वाइफ ये क्या है? वो इसका मतलब है पार्टनर एक्सचेंज। मतलब जैसे तुम मेरी वाइफ हो और सामने एक और कपल है, तुम उसके हस्बैंड के साथ और मैं उसकी वाइफ के साथ। क्या बात कर रहे हो, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपके साथ मतलब किसी के साथ भी कर लूंगी। ऐसा नहीं होता, ये अपनी मर्जी से लोग करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत मजा आता है इसमें। क्या बकवास कर रहे हो? देखो हमारी शादी को 3 साल हुए और हमें बच्चा वैसे भी नहीं चाहिए, क्यों ना बच्चा होने से पहले लाइफ में थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाए। हम तो एक दूसरे से कितना एंजॉय करते, कितना मजा आता है, थोड़ा और कर, कुछ और वैरायटी। कहते हैं वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तुम पागल हो गए हो, ये सब अच्छा लगता है क्या? समझो ना मेरी बात को। नहीं यार मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम तो मेरी कोई भी बात को बुरा नहीं मानती ना? नहीं मानती यार, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझे किसी के साथ भी नहीं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें कुछ बुरा नहीं है बेबी, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। नहीं यार ये सब अच्छा नहीं लगता। देखो ऐसे बहुत लोग करते हैं, ये बहुत सेफ है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। बहुत लोग करते होंगे पर मैं नहीं करूंगी किसी के साथ। मान जाओ ना बेबी प्लीज। नहीं यार नहीं अच्छा लगता, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता। प्लीज ओके, बट आखिरी बार, इसके बाद कभी नहीं ऐसा होगा, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। ठीक है। ये क्या नया शौक पाल लिया उन्होंने, पर अच्छा भी है। सोच सोच के इतना मजा आ रहा है तो बाद में कितना मजा आएगा। पर अगर वो गलत आदमी निकला जो आएगा, वो पता नहीं उसके साथ कैसा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा पति कितना अच्छा है ना, कौन अपनी पत्नी के लिए इतना सोचता है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। हाय मेरा पति कितना अच्छा है ना, कितना सोचता है मेरे बारे में, कितना मजा आएगा।
अरे आ रही हूँ बाबा। हाय। अरे आप आइए ना। हाँ थैंक यू। बैठिए। तो रोहन कहाँ है? रुकिए मैं अभी बुलाती हूँ उनको। नाइस हाउस हम। या हे हाय। हाय। हेलो। हेलो। आप लोग तो कल आने वाले थे। हाँ right? जी कल तो आने वाले थे पर हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मिल ले। हाँ एक्चुअली हमें आपकी वाइफ से भी मिलना था तो सोचा चलो मिल लेते, वो थोड़ा बात करके कंफर्टेबल भी हो जाएगी। सी इज कंफर्टेबल और नॉट। मैं अपनी वाइफ को बुलाता हूँ। यस श्योर। सपना। सपना। हाँ जी आ रही हूँ। आ जाओ। ये है मेरी वाइफ सपना। हाय। हाय। ये मेरी वाइफ है सपना, ये करण और ये उनकी मिसेस सोनिया। मैंने इन लोग के बारे में बताया था ना, वो दोनों कपल स्वैप। एक्चुअली बस हम यही जानना चाहते थे कि आपकी वाइफ सपना कंफर्टेबल है कि नहीं। एक्चुअली सी बात मुद्दे की मैं ये बताना चाहूंगी, I mean, हम लोग ये जानना चाहते थे कि you know, like, see, हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, हम लोग बहुत टाइम से इस काम में हैं, तो वी आर वेरी प्रोफेशनल, बट आपकी वाइफ I mean, कंफर्टेबल है या नहीं है? कि ऐसा तो नहीं है आप अपने हस्बैंड के फोर्स करने पे हाँ किया हो आपने? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और इनकी खुशी के लिए कुछ भी कर लूंगी। That's great. That's great. Yeah, she's beautiful, huh? वो तो है। ओके तो हमें लगता है हमारी कल की शाम बहुत सुहानी होने वाली है। सो कल बहुत ज्यादा। आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी या कुछ और ठंडा? अब तो हम कल ही लेंगे सब। नहीं कुछ। वैसे आप लोग पूछते तो हम ले लेते। हमने पूछा ही नहीं। अरे I'm really sorry यार। Okay. मैं भूली गई थी, अभी जाती लेने। नहीं, 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 ये तो बस मजाक करते रहते, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल ही लेंगे जो भी। हाँ, लेंगे कल मिलते हैं। Everything is okay, okay. तो कल मिलते? कल मिले। हाँ, कल निकलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके। बाय बाय बाय। सी यू। बाय सोनिया। बाय बाय। तो क्या सोचा? अब कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है। अगर मैं सोनिया के साथ करूं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। यस।
पहली बार तुमने किसी और मर्द के साथ अपने पति के कहने पे सेक्स कर रही हो, कैसा लगा तुम्हें? अरे बताओ भी, तुम शर्मा रही हो। लड़की शर्मा रही है, इसका मतलब उसे बहुत मजा आया। वाह, तो फिर तुम दोबारा भी बुला रही हो? बहुत जल्द। तो सपना। हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मजा आया ना? बहुत। मैंने पहले भी कहा था कि वाइब सेटिंग सब करते हैं, इसमें मजा भी बहुत है। वैसे भी हम 3 साल से थोड़ा तो बोर हो ही चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, उन्हें फिर से बुलाना चाहिए? तुम भी ना बहुत नॉटी हो। अगली बार ना और जबरदस्त करना है। चलो मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। करण क्या बोलता है? करण, व्हाट, वेलकम टू द एचआईवी क्लब, वी आर एचआईवी पॉजिटिव। ओ गॉड, शिट शिट, फक फक फक, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, छोटे से मजे के लिए अब मेरी और मेरी बीबी की लाइफ बर्बाद कर दी। गॉड, शिट 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 शिट, बास्टर्ड, तुझे अभी बताता हूं। We're sorry, the number you have dialed is not in service. This number is switched off. मैं अभी सपना से कैसे बताऊं कि मैंने उसकी और अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। ओह गॉड, मुझे क्या हो गया था।